हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, जिसको देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो साइनोनिम के अपलोड कर दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मैंने 60 वर्ड कवर कराया है। अब देखिए, साइनोनिम सीखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो जब आप पैसे सॉल्व करते हैं तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि आपका वोकैबुलरी जो का जो सिस्टम है वो पावरफुल बनता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बनता है, तो आप 60 वर्ड वहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। तो वो सारा वीडियो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 61 से, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइनोनिम में आप एक के साथ दो वर्ड सीखते हैं, यानी कि एक पे एक यहाँ पे फ्री मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये वर्ड आप सीखेंगे तो इसका सेम वर्ड यानी कि सिमिलर वर्ड साइनोनिम जो होता है वो दूसरा कौन होगा, यानी एक के साथ आप दो सीखते हैं तो कभी कभार एक भूल जाता है तो एक याद रहता है, तो वहाँ पर लॉजिक लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है, 8 से 10 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ तैयारी करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, क्योंकि यही 8 से 10 दिन की आपकी मेहनत आपको जॉब दिला सकती है। आपको एग्ज़ाम हॉल में पछताना ना पड़े और फुल कॉन्फिडेंस के जाएँ, के साथ जाएँ, इसके लिए आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है कि देखना पड़ेगा और पेन कापी उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट समय तक हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। 61 नंबर दिया है कि डायलेट, दिया डायलेट मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स चौड़ा करना, किसी चीज़ को क्या करना, चौड़ा करना। तो आप बताइए यहाँ पे इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, सी यानी कि एक्सपेंड, क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 में दिया है पब्लिसाइज, पब्लिसाइज का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स प्रचारित करना, किसी चीज़ को क्या करना, प्रचारित करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिसेमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसेमिनेट। समझ पा रहे हैं। देखिए, ये जो साइनोनिम का वीडियो है इसका लेवल शुरू शुरू में जो मैंने फर्स्ट वाला वीडियो अपलोड किया था तो कई फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर ये तो बहुत ईजी है, तो मैंने उनसे बोला था कि यार देखो पहले ईजी से लेके कठिन तक मैं सब कवर करा दूंगा। तो अब जो चल रहा है ना ये काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है, इससे हाई लेवल का एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, इससे हाई लेवल नहीं पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 20 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 20 को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका 20 में से कितना आया सही। ठीक है, चलिए 63 देखते हैं। दिया है थ्राइव, थ्राइव मतलब क्या होता है बताइए, थ्राइव मतलब होता है उठाना, किसी चीज को क्या करना, उठाना। तो इसका क्या हो जाएगा साइनोनिम, जी बिल्कुल सही, सी यानी कि रेज, बोलते हैं ना रेज योर हैंड, क्लास में बोला जाता था रेज योर हैंड, तो मतलब होता है क्या, हाथ उठाना, तो वही क्या हो जाए, रेज मतलब उठाना, तो इसका क्या होगा साइनोनिम, थ्राइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिया है कि एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है क्रोध करना, एंग्विश का मतलब क्या होता है, क्रोध करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही, सी यानी कि एंगर। देखिए क्या होता है साइनोनिम में, कई बार आपको एक चीज़ आता है तो एक चीज़ नहीं आता है, तो इसीलिए कहते हैं ना जब लास्ट तक इसको देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी यहाँ पे। चलिए 65 देखते हैं, 65 में दिया हुआ है कि डिसवेड, क्या दिया है, डिसवेड, इसका मतलब होता है हतोत्साह करना, हतोत्साह करना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिसकरेज। करेज मतलब क्या होता है, उत्साह, और डिसकरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया है गिल्टी, गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी, गिल्टी मतलब दोषी होता है, तो उसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, कल्प्रिट। कल्प्रिट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, ये पूछा गया है, ये वर्ड जो है कि पूछा गया, इसको आप लिख लीजिए, कल्प्रिट मतलब होता है दोषी, कल्प्रिट मतलब क्या होता है, दोषी। चलिए 67 की तरफ बढ़ते हैं, दिया हुआ है 67 में ब्रूटालिएट, ब्रूटालिटी दिया है, क्या दिया है, ब्रूटालिटी, इसका मतलब होता है निर्दयता, क्या होता है, निर्दयता, जो होते हैं ना कुछ लोग निर्दयी टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, क्रुअल्टी, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि क्रुअल्टी, क्रुअल से बना क्रुअल्टी। और देखिए नेक्स्ट दिया है कि फैट, फैट मतलब क्या होता है, मोटा, ये तो आपको पता है कि फैट मतलब मोटा होता है, लेकिन सर इसका साइनोनिम क्या होगा बताइए, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा फैट का साइनोनिम, बहुत ईजी बताइए। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ए यानी कि प्लम्प, क्या हो जाएगा, प्लम्प मतलब भी मोटा होता है। ठीक है, चलिए 69 की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव माय डियर फ्रेंड्स, डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, हानिकारक। जी बिल्कुल सही, डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, हानिकारक, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम हो जाएगा
टोपल जी, टोपल यानी डी ऑप्शन सही हो जाए। इसका मतलब भी क्या होता है, टोपल मतलब हानिकारक। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और सीखते रहिए। नेक्स्ट दिया है करप्ट। करप्ट मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार यानी दोषी, भ्रष्ट। ठीक है, करप्ट मतलब क्या होता है, भ्रष्ट। तो यहाँ पे इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, भ्रष्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71 में दिया है प्रोमिनेंट। क्या दिया हुआ है 71 में, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, एकदम सी, एकदम सही जा रहे हैं आप। सी क्या हो जाएगा, फेमस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 71 लीड दिया है। लीड मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, किसी चीज का नेतृत्व करना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में फ्लो, सॉरी फॉलो और गाइड दोनों भी मिलता जुलता वर्ड है। तो सुटेबल होगा गाइड करना यानी कि नेतृत्व करना, और फ्लो भी यहाँ पे चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 में दिया है कि इंसॉलेंट। इंसॉलेंट का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, अभिमानी, किसी चीज़ का क्या करना, अभिमान करना या घमंड करना। कोई लोग होते हैं अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, तो इसका क्या होगा, एरोगेंट होता है। क्या होता है इसका साइनोनिम, एरोगेंट, बी। चलिए 74 की तरफ बढ़ते हैं, ये काफ़ी ईजी है। परमिट, परमिट मतलब क्या होता है बताइए, परमिट मतलब क्या होता है माई डियर फ्रेंड्स, प्रमाणित करना होता है। क्या होता है, प्रमाणित करना। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि सर्टिफाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 75 दिया हुआ है कि ट्रम्प। क्या दिया हुआ है 75 में, ट्रम्प दिया है। ठीक है, ट्रम्प का मतलब क्या होता है, विजय प्राप्त करना। क्या होता है, विजय प्राप्त करना। अब बताइए एक चीज़ बताइए, मैंने जो ओवर वाला फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने कराया था जो, तो उसमें ट्रम्प के साथ क्या लगता है, या ट्रम्प के साथ क्या लगता है यहाँ पे, जी कमेंट करके आप जरूर बताइए कि क्या लगता है। ठीक है, मुझे मालूम है लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ट्रम्प के साथ क्या लगता है। यदि आपको नहीं मालूम होगा तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाली वीडियो आप जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पिछले साल ये प्रीपोजिशन वाले में पूछा गया था ट्रम्प के साथ क्या लगता है। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे इसका साइनोनिम की बात करें तो विजय होता है, तो विक्ट्री भी मतलब भी क्या होता है, विजय करना होता है। ठीक है, विक्ट्री भी हो जाएगा, और सबजुगेशन यानी कि ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, और सक्सेस माने भी क्या होता है, विजय यानी कि जीत। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो गया डी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ट्रंप के साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन। चलिए 76 की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि रैंसिड। रैंसिड मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, बासी होता है। रैंसिड मतलब क्या होता है, बासी। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, स्टेल। ठीक है, अ थिंग व्हिच इज नॉट फ्रेश, इसका वर्ड होता है साइन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। ठीक है, तो जिसको क्या कहते हैं, बासी, जो चीज़ ताज़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, बासी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि क्या दिया है 77 में, रेवेल दिया है। रेवेल का मतलब होता है बेनकाब यानी कि उजागर करना, किसी चीज़ को बेनकाब करना या फिर उजागर करना, मतलब एक्सपोज करना। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि मलेशियस। क्या दिया है 78 में, मलेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिख लीजिए। मलेशियस माने होता है माय डियर फ्रेंड्स, दुर्घटनापूर्ण यानी कि दुर्भावपूर्ण। क्या होता है, दुर्भावपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 में, ए सही हो जाएगा। ठीक है, मेलोवेंट यानी मेलोवेंट का मतलब भी क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 में दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए 79 में इमर्ज दिया है। क्या दिया है, इमर्ज। इमर्ज मतलब क्या होता है, उभरना। इमर्ज मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, उभरना। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा इसका साइनोनिम, जी बल्कि सही, अपीयर। क्या हो जाएगा, अपीयर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट वाला दिया है कि एम्पल। एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा या पर्याप्त मात्रा। तो क्या हो जाएगा, ए यानी कि सफिशियंट। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। अब देखिए आपके पास टोटल 80 साइनोनिम मैंने बता दिया, 80 के साथ एक के साथ दो बताए, तो मतलब क्या हो गया, 160 हो गया। और कभी कभी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे तीन आपको सीखने को नया वर्ड मिला था, विक्ट्री था, और ये सक्सेस था, ट्रिम्प था। ठीक है, तो इसके साथ मतलब कि आपको लगभग 150 से 200 वर्ड यहाँ पे मिल गए। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, ताकि आपको चीज़ें याद होते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।